हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बता रहा हूँ, आप देखिए कैसे मैंने निकाला हूँ कंटिन्यूस बैंसलर से बेल्ट। ये ड्रिवन बेल्ट मैंने निकाल दिया और टेपलन बेल्ट निकालने से पहले मशीन को बंद करना पड़ता है। उसका बाद ये जो कूलिंग बेड और सीलिंग बेड की ऊपर पट्टियों है, ये दोनों को मोड़ना पड़ता है, क्योंकि कूलिंग बेड और सीलिंग बेड के बीच में गैप आ जाए। गैप आने से ये बेल्ट आसान से निकल जाता है। ये मैंने बेल्ट निकाल दिया। अगर आपका टूट गया है, फट गया है, तो ये सब चेंज करना पड़ता है। चेंज नहीं करेंगे तो उसमें सीलिंग प्रॉपरली नहीं होता है। अभी एक रोलर में चढ़ा के बेल्ट हम बीचों बीचों में फंसा लिया और सामने वाला रोलर को धक्का लगा के बेल्ट रोलर के ऊपर चढ़ा दिया। अभी देखिए कैसे ये टेंशन ले रहा है। बेल्ट को स्प्रिंग माध्यम से खींच के रखा है। जैसे पत्ती था शुरू में, मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि वो आपस में सट जाए। फिर मैंने स्विच ऑन किया, मोटर चालू हो गया, बेल्ट अलाइनमेंट धीरे धीरे अपना हो गया। छोटा वाला बेल्ट लगाते टाइम ध्यान रखिएगा, अंगूठी बीचों में नहीं आना चाहिए। और एक चीज़ है, कुछ दिन चलने के बाद मशीनों में बेल्ट निकलना शुरू होता है, तो ये होता है अलाइनमेंट स्क्रू। ये अलाइनमेंट स्क्रू रोलर की राइट साइड में ऊपर वाला होता है और रोलर की लेफ्ट साइड में नीचे वाले में होता है। नीचे वाला स्क्रू और ऊपर वाला स्क्रू दोनों एडजस्ट करने की तरीका एक जैसे हैं। हमने ये ऊपर वाला स्क्रू मानते हैं और ये दूसरे को नीचे वाला स्क्रू मानते हैं। ऊपर वाला स्क्रू धीरे धीरे लूज करेगा, एक दो राउंड लूज करिएगा, और नीचे वाला स्क्रू को एक राउंड टाइट करने से अगर बेल्ट आपका बाहर आ रहा है तो अंदर जाएगा। दोबारा बोल देता हूँ, आपका ऊपर वाला स्क्रू को लूज करना पड़ता है और नीचे वाला स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जितना खुलिएगा उतना ही टाइट करिएगा, बस इसमें बेल्ट अलाइनमेंट हो जाता है। स्वर्णपेटेक, ओडिशा, भुवनेश्वर।